सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं कतर एयरवेज में कुछ वैकेंसी निकली है उसके बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं अगर यहाँ बात करें देन कतर एयरवेज में जॉब करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उनके काफ़ी सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं जिनको हमें फिलअप करना होता है, जिनको फुलफ़िल करने से ही हम वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। वैसे छोटी से छोटी जॉब के लिए भी वो एक्सपीरियंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आज जो जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे के सारे मैनेजरल लेवल्स के जॉब्स हैं, तो यहाँ पे भी एक्सपीरियंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पे सारे जो जॉब्स हैं मिनिमम जो यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है वो है 7 ईयर्स, और कुछ वैकेंसीज़ में यहाँ पे आपको 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी है, देन आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो है कैटेगरी मैनेजर की, जिसमें कि बैचलर डिग्री मांगी गई है। अगर एजुकेशन वाइज देखें देन काफ़ी कम मांगी गई है बैचलर, बट यहाँ पे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैनेजर ऑपरेशन की जगह खाली है जिसमें कि बैचलर डिग्री सेम मांगी गई है, और यहाँ पे भी 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जगह खाली है जिसमें कि अगर आपने एचआर से रिलेटेड कोई पढ़ाई की है देन ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा, और इसमें आपको 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे जो आखिरी जॉब है वो है रिटेल ऑपरेशन की, जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं तभी जब आपके पास कोई बिजनेस से रिलेटेड डिग्री हो, मतलब आपने MBA कर रखा हो या फिर कोई भी बिजनेस डेवलपमेंट का कोई कोर्स आपने कर रखा हो, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर या बैचलर दोनों डिग्री यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और कतर एयरवेज में जो सैलरी आपको मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिलती है बाकी एयरलाइन से, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी सैलरी पैकेज दी गई है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी जॉब आपके लिए फिट रहेगी। जैसे मैंने कहा कि ये सारे जॉब में कम्युनिकेशन मस्ट है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए तभी जाके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कतर एयरवेज में काम करने के लिए काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, खास करके पंक्चुअलिटी जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी आदमी जो कि सोचता है कि मैं लेट लतीफ़ काम कर सकता हूँ, देन वो लोग ये इस जॉब में ना अप्लाई करें। ये जो जॉब है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो लोगों के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो लोग गोल ओरिएंटेड काम कर सकते हैं, बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं, उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पे जगह है। और ये काफ़ी मतलब कम संख्या में वैकेंसी है, तो आप सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा। अगर सिलेक्ट हो जाते हैं देन आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्यूचर मिल सकता है कतर एयरवेज के साथ। तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है बट रिक्वायरमेंट भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसमें फिट बैठते हैं देन ज़रूर इसमें अप्लाई कीजिए या फिर दूसरे जॉब्स के लिए वेट कीजिए। सारे जो जॉब्स हैं मेरी वेबसाइट www.bncuniverse.co.in इसमें अवेलेबल रहते हैं, आप उसमें विजिट कीजिए और जो भी जॉब आपको पसंद हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आज जिन जॉब के बारे में हम बात की हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन इस वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। तो ये था आज का पूरा वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो जैसे मैंने कहा लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सो दिस इज़ विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।